देखिए गाइस, इस लड्डू को मोतीचूर लड्डू से भी बहुत टेस्टी है, लेकिन रवे को देखिए, रवे को बिना छाने मत लेना, क्योंकि रवे में कुछ न कुछ कीड़े छोटे छोटे होते ही हैं। तो सबसे पहले आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि आप रवे को साफ करके लीजिए। पतले वाला रवा लिया है एकदम। आज हम पहले हम ऐसे ही गरम करेंगे, इसका मॉइस्ट निकल जाए तो बाद में फटाफट सिक जाता है। गाइस देखिए, अब हम देखिए घी मिलाएंगे। देखिए गाइस, रवे को सेकते समय थोड़ा घी ज्यादा लेना है, जिससे कि आपके जो लड्डू होंगे वो ज्यादा टाइम तक टिकेंगे। अच्छे से सेकिए, स्मेल आएगी तभी आप गैस बंद कर देना। देखिए गैस, रवा है ना सिक चुका है, एकदम स्मेल आना चालू हो गया है। अब हम इसमें करीबन 200 ग्राम्स के आसपास मैंने ड्राई फ्रूट का, मैंने इसमें आलमंड और काजू दोनों लिए हैं। इसका मैं एक देखो पाउडर डाल दिया है, इससे इसमें रिच टेस्ट आता है। अभी हम गरम गरम में बस अभी हम क्या करेंगे, गैस बंद कर देंगे। ये ऑलमोस्ट हमारा कुक हो चुका है, रोस्ट हो चुका है। अभी ड्राई फ्रूट का पाउडर डाल दिया, वो भी रोस्ट हो जाएगा। और गाइस, मैंने खड़ी शक्कर की चाशनी बना दी है, इसमें मैंने केसर डाली है अभी, ये देखिए। और वो खाली मैंने तार वाली नहीं बनाई है, जस्ट वो थोड़ी थिक हो जाए इतनी ही चाशनी बनाई है गाइस। अगर आपको मोतीचूर का लड्डू का उसमें फ्लेवर कलर देना है तो आप उसमें तंदूरी कलर डाल सकते हैं, एक या दो ड्रॉप। मैंने तंदूरी कलर डाला है और ऑलरेडी इसमें येलो कलर है, बहुत गर्म नहीं है, हाथ लगाने जितना हो चुका है। अब हम इसमें हमारी चाशनी डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे पहले। गाइस देखिए, ऐसा हमें टेक्सचर चाहिए, क्योंकि जब हम इसको अभी बांधेंगे ना, देखो थोड़ा सॉफ्ट है, मोतीचूर के लड्डू जैसा ही है। ऐसे करके हम सारे लड्डू बांध लेंगे गाइस। ये एकदम मोतीचूर से भी मोतीचूर जैसे ही लड्डू बने हैं गाइस, देखिए। आप मोतीचूर के लड्डू भी भूल जाएंगे इसके सामने गाइस। आप ये लड्डू बनाना और प्लीज मुझे करना कि आपके ये लड्डू कैसे बने हैं। ये लड्डू बहुत टेस्टी बनते हैं गाइस, और फटाफट हो भी जाते हैं, कोई नो रिस्क, कोई खराब होने का, कोई टूटने का, फूटने का कोई चांसेस ही नहीं है। ये लड्डू अच्छे ही बनते हैं। तो ये सूजी के मोतीचूर के लड्डू आपको कैसे लगे? इफ यू लाइक माय रेसिपीज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंजॉय।